सा खेलता है वो भी ग्राउंड पर पता चलेगा भाई तुम बॉल डालोगे तो ठीक है यहाँ पे वोटिंग नहीं चलेगी मतलब पता है वोटिंग में जीत जाऊंगा मुनावर रोस्ट करने का भाई कोई भी मौका नहीं छोड़ता। आपको पता होगा क्रिकेट में एक चल रहा था, ये लोग सब खेल रहे थे, इसी बीच में भाई एक ऐसा ताना मारा है मुनावर ने कि जो ना आत्मा झकझोड़ के रख सकता है। अब आपको ये तो पता होगा कि मुनावर इस तक आए जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक क्रिकेट खेलते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने देखा है हमने उनके ब्लॉग्स में भी कि बंदा भाई साहब काफ़ी अच्छी स्टांस के साथ खेलता है। लेकिन अब जितने भी सेलिब्रिटीज़ खेल रहे थे क्रिकेटर्स के अलावा वो सारे फद्दू ही थे, कोई एक आधा ऐसा था जिसको ठीक से बैट पकड़ना आता था। ऐसे में भाई साहब मुनावर ने बहुत तगड़ा थाना मारा क्योंकि एलवी यादव चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे भाई हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, और वहीं पर मुनावर ने दूर से बैठ के कहा कि भैया एक शो जीत लिया आपने वेरी गुड, गारंटी नहीं कि आप ये वाला मैच जीतेंगे क्योंकि यहाँ पर वोटिंग नहीं होती है, खेल कर जीतना पड़ेगा। भाई क्या ही बात कह दी यहाँ पर मुनावर ने, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वोटिंग के दम से जीते थे वो जो वाला सीजन था जहाँ पर एलवी जीते थे वो फुकरा को जीतना चाहिए था। भाई जनता आपकी राय क्या है, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट, क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे के ऊपर, क्या वोटिंग का सच में कोई रोल था या फिर भाई सब लोगों ने पसंद की एल्विस की पर्सनैलिटी, आपकी राय कमेंट में बताएं, मिलता हूँ जल्द, बाय बाय।